वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाएंगे भिंडी की बेहद आसान और स्वादिष्ट रेसिपी, जो कि इन गर्मियों में बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने लिया है 300 ग्राम भिंडी। इसको धो करके पोंछ लिया अच्छे से और कुछ इस तरह से कट कर लिया है। और इधर लिया है मैंने एक बाउल में 2 बड़े चम्मच बेसन। उसमें हम पानी डाल करके एक बैटर बना लेंगे, जो कि भिंडी की सब्जी में हम यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए बैटर कुछ इस तरह का बनाना है। और इधर गरम किया है एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल। उसमें डाल दिया है लहसुन बारीक कटा हुआ, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 चम्मच डाला है मैंने जीरा। इन तीनों को ही लाल होने देंगे। और अभी डाल देंगे भिंडी, इसको भूनेंगे। और अभी देखिए मैंने 2 मिनट के करीब भून लिया है इसको। और अभी डाल देंगे कुछ ड्राई मसाले। 1/2 चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ही डाल दिया है रेड चिली पाउडर, और 1/4 चम्मच डाला है आमचूर पाउडर। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है नमक। और इसको भूनेंगे भिंडी के साथ में। और अभी डाल दिया है 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। और भिंडी देखिए बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है। तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे वो बेसन का बैटर। अच्छे से मिक्स करेंगे भिंडी के साथ में। पहले ये थोड़ा सा चिपचिपा सा लगेगा, लेकिन बाद में भूनते भूनते ये बहुत ही अच्छे से सब अलग अलग हो जाएगा। और अभी देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, और इसको सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म। रोटी, चपाती, राइस, दाल या पूरी के साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।